दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, Realme X2 Pro इंडिया में लॉन्च होने वाला है 20 नवंबर को। और दोस्तों, जो Redmi Note 8 Pro है ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में पहले ही। तो आज की इस वीडियो में आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ इन दोनों ही डिवाइसों की स्पेक्स के बारे में, कि यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन सा जो डिवाइस है परफॉर्मेंस में अच्छा रहने वाला है, साथ ही आपको इनमें से कौन सा डिवाइस बाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दोस्तों सबसे पहले बात की जाए डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों जो Realme X2 Pro है इसकी जो डिस्प्ले रहने वाली है वो होगी 6.5 इंच की, जो एक कलर सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहने वाली है, जो आएगी गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन साथ में। साथ ही यहां पर आपको वाटरप्रूफ नोच मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये जो डिस्प्ले रहने वाली है ये 90 हर्ट की रहने वाली है, यानी कि डिस्प्ले बहुत ही गजब होगी रियलमी X2 Pro की। जबकि दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 Pro की डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर आपको मिलती है 6.53 इंच की कलर IPS LCD डिस्प्ले, जो आती है वाटर ड्रॉप नोच के साथ में। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में Realme X2 Pro की बैक पैनल के बारे में, तो यहां पर जो बैक पैनल रहने वाला Realme X2 Pro का ये रहेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का। यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरे का सेटअप विद LED फ्लैश। जबकि दोस्तों जो Redmi Note 8 Pro है यहां पर भी आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, और यहां पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है बैक पैनल के रूप में। अगर दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही डिवाइसों के कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो Realme X2 Pro है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसका जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 MP का। साथ ही दोस्तों आपको 13 MP का टेलीफोटो सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको मिलती है ड्यूल LED फ्लैश। अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो Realme X2 Pro में आपको देखने को मिलती है 16 MP का सेल्फी कैमरा। जबकि दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के बारे में, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्वाड कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी सेंसर है 64 MP का। साथ ही आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP का मैक्रो सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको मिलती है LED फ्लैश। और अगर बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है Redmi Note 8 Pro में। जाने कि दोस्तों कैमरा के मामले में यहाँ पर जो Redmi Note 8 Pro है वो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है सेल्फी कैमरा के मामले में खासकर, बाकी तो यहाँ पर जो सेंसर है वो लगभग आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इन दोनों डिवाइसों के प्रोसेसर के बारे में, दोस्तों जो Realme X2 है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 855, जो आता है Adreno 640 GPU के साथ में। साथ ही दोस्तों आपको Realme X2 Pro में देखने को मिल जाता है Color OS 6, जो वेड है Android Pie 9.0 पर। जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G90T, जो आता है माली G76 GPU के साथ में। यहाँ पर आपको मिलता है MIUI 10, जो वेट है यहाँ पर Android Pie 9.0 पर। अगर दोस्तों इसके बाद में बात की जाए इन दोनों ही डिवाइसों की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो Realme X2 Pro है यहाँ पर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो आती है 50 W की सुपरबुक फ्लैश चार्ज के साथ में। यहाँ पर आपको USB Type C, 3.5 mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 भी देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों जो Redmi Note 8 Pro है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो आती है 18 W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको USB Type C, 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए इनके रैम और रोम की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो Realme X2 Pro है 6GB रैम और 64GB रोम से स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिल जाती है Redmi Note 8 Pro में, जो है 6GB रैम और 64GB रोम से स्टार्टिंग। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में मेन इनके प्राइस के बारे में और लॉन्च के बारे में। दोस्तों जो Realme X2 Pro है ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 20 नवंबर को, और दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो 26,000 रुपये के अराउंड रहने वाला है। जबकि दोस्तों जो Redmi Note 8 Pro है ये इंडिया में पहले ही लॉन्च हो चुका है, और जो इसका प्राइस है वो है 14,999 रुपये।
अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सा डिवाइस बाय करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप यहां पर आराम से बाय कर सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो, क्योंकि यहां पर आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, क्योंकि जो मीडियाटेक हेलियो G90T है उसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो कैमरा सेटअप है वो दोनों ही डिवाइसों में लगभग सेम रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हैं गेमिंग के शौकीन तो दोस्तों यहाँ पर आप रियलमी X2 प्रो बाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 जो एक बहुत ही गजब का चिपसेट है, और यहाँ पर यह गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।